इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम की सिटी के अंदर आ चुके हैं स्नो में, और ये हमारी सिटी के अंदर पूरे के पूरे कब्जा करने वाले हैं ताकि ये सिटी सबको तबाह कर दे, इन सारे लोग जो के भाग जाएं। तो क्या फ्रैंकलिन इन सभी को रोक पाएगा या फिर नहीं? तो आज कितना सुहाना सा दिन है और यहाँ पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मुझे बाहर जाके यार गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। तो मैं स्विमिंग पूल के अंदर वाटर पाइपलाइन से गरम करके पूरे गरम कर दिया हूँ ताकि मैं इसमें नहा लूँ और मेरी जो ठंडी एकदम दूर हो जाए। ये देखो गाइस, मेरी एकदम ठंडी से दूर हो चुकी है। अब चलो गाइस हाउस से बाहर चल के देखते हैं हमारी गेम के अंदर जो स्नोमैन आया वो दिखने में कैसा है और हमारी गेम के अंदर काफ़ी तगड़ी तबाही करने वाला है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक जेट पैक ले लिया जाए और जेट पैक से मैं देखने वाला हूँ। और गाइस अगर मैं जेट पैक नहीं लूंगा वैसे जाऊंगा तो मेरे पे वो अटैक कर देंगे और मैं घायल हो जाऊंगा। तो जल्दी से भाई देख लेता हूँ मैं चीट कोड एक्टिवेट करके। ये लो मेरे पास आ चुका है एक जेट पैक एंड भाई ड्रोन सूट काफी तगड़ा होने वाला है। फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जेट पैक ले लिया एंड इसे ऊपर उठा के देखता हूँ भाई हमारे गेम के अंदर स्नोमैन कितना भयानक है। तो तुम्हें दिखाता हूँ अभी, देखो गाइस कितना खतरनाक स्नोमैन आ चुका है हमारी गेम के अंदर जो कि पूरी सिटी को तबाह करने वाला है, पूरी सिटी को एकदम बर्फ से करने वाला है। तो क्या फ्रैंकलिन इन सब पूरी सिटी को बर्बाद होने से रोक पाएगा या फिर नहीं? चलो आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो गाइस अगर मैं नीचे रहता तो ये स्नोमैन मेरे पे अटैक कर देता और मैं बिल्कुल भी भाई बस्टेड हो जाता, इसलिए मैं अब ऊपर से देख रहा था भाई जेट पैक लेके। तो चलो गाइस अब इसको मतलब कि स्नोमैन आ चुका है, अब इसको कैसे मारेंगे चलो इससे पूछते हैं। अरे आंटी जी मुझे बताओ कि स्नोमैन को कैसे मारे। मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो, मेरे पास तो रुपए भी नहीं है। उसके लिए जो कपड़े खरीदे थे स्नोमैन ने वो सब खराब कर दिए हैं और मेरे को भाई पता नहीं है कैसे मारना है। उसको भी ठंड लग रही होगी, तो हमें ठंड लग रही है, तुम जाओ यहाँ से। अरे चुड़ैल बता दे जल्दी से, इतना नाटक नहीं। ओ गाइस मेरे को कोई भी नहीं बता सकता, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ही आया जाए। तो ये देखो गाइस ये बंदा डोल रहा है यहाँ पर, इससे पूछ लेता हूँ। तो स्नोमैन को कैसे मारना है ये पूछना चाहता है ना, तो जा जल्दी से जाओ और पुलिस स्टेशन के अंदर पूछ, यहाँ पर तो कुछ ही नहीं रखा है और मेरे पास तो बता दे, चल जल्दी। ओहो गाइस जी इसने बता दिया मेरे को स्नोमैन को कैसे मारना है, यानी कि मुझे जाना है पुलिस स्टेशन के अंदर में और पुलिस स्टेशन के अंदर में जाके पूछना है कि स्नोमैन को कैसे मारना है। तुम लोग बता देना पुलिस वाले लोग, नहीं तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो चलो गाइस जल्दी से अभी चलते हैं अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर और यहाँ पर बताने वाले हैं कि ये लोग बताएंगे भाई कैसे करना है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ, भाई बताओ जल्दी से यार तुम लोग क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, जल्दी से बताओ भाई स्नोमैन को कैसे मारना, हमारे सिटी के अंदर आ चुका है, नहीं तो तुम मुझे गर्म गन दे तो। अरे यार गाइस ये वाला तो नहीं बता ये वाला पुलिस वाला, लेकिन ये वाला पुलिस वाला बता दे तुम मेरे को, भाई तेरी खोपड़ी ठोक दूंगा, जल्दी से बता दे भाई गन दे दे, नहीं तो। ये भी नहीं बता रहा गाइस, देखो कैसे खड़ा है मूर्तिमान की तरह, मूर्ति की जैसे लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और इस स्टेशन के अंदर घुस चुके हैं और ये वाला बंदा मुझे बता सकता है। ये अंग्रेज लड़का बैठा है, चलो इससे हाई बोलते हैं, तो ये क्या रिप्लाई देता है, हाय भाई। चलो भाई स्टेशन के अंदर से चल, मुझे चलने के लिए बोला, ये ले अभी तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, अभी ये ले और ले और ले, ये ले तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, ज्यादा ही बोल रहा है मेरे से, चल चल चल। ये मैं तो पूछने के लिए आया हूँ स्नोमैन को कैसे मारना और तुम लोग जो कि है ज्यादा ही बता रहे हो भाई, चलो 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 स्टेशन के अंदर से, तुम्हारे बाप का स्टेशन है क्या? अब तो मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूँ, सभी को यार देखो कैसे मार रहा हूँ अच्छे से, और यार पुलिस स्टेशन के अंदर मैं इस वाली पुलिस को भी मारने वाला हूँ क्योंकि इनके मतलब कि कैदियों ने मुझे ऐसे बोला, ये ले तुझे भी यार नहीं मारूंगा मतलब कि मारूंगा, सलटा दूंगा एकदम से तुम्हें, ज्यादा ही बकवास कर रहे हो तुम, इस वाले को भी मारना है तो जल्दी से यार मैं इसको भी मार लूंगा बाद में, पहले हम लोग जो कि अभी ढूंढ लेते हैं स्नोमैन को बाहर सिटी के अंदर। अरे यार फ्रैंकलिन भी नहीं मान रहा है, फ्रैंकलिन मान जा यार इन सभी को बख्श दे, इन सभी ने सॉरी बोल दिया है। तो चलो गाइस अब चलते हैं स्टेशन के मतलब कि बाहर जाके हम ढूंढेंगे इन्होंने, इनकी तो कोई बस की बात है नहीं जो ये बता दें, तो हमें ही कुछ करना है और ढूंढना है, हमारी सिटी के अंदर आ चुका है स्नोमैन। तो मुझे यार कोई मतलब कि कार लेनी है, यहीं पे डोलने से बात बनने वाली है नहीं, बाहर जाके सिटी के अंदर ही देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छुप के बैठे हैं।
तो मैंने कार ली है ऑडी। ऑडी आप लोग अपने गेम के अंदर ले सकते हो। मैंने ऑडी कार को लिया है और मैं स्नोमैन से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन भी हमारी कार के अंदर ही बैठा है, पिछली वाली सीट के अंदर। तो मुझे यार काफ़ी ज़्यादा काम है, पहले तो यार घर जाके मुझे काम निपटाना पड़ेगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही वो पैसे रुपए हैं वो बिखर रहे हैं, उनको सभी को एक साइड करके और फिर फ्रैंकलिन की फ़ाइट होगी। और ढूंढेंगे पहले तो यार, फाइट तो बाद में होंगी। स्नोमैन दिख जाएंगे तो बिल्कुल भी उसको मतलब कि मार देंगे, मार गिराएंगे। तो चलो गाइस आ चुके हैं हमारी सिटी के अंदर, सिटी के अंदर आ चुके हैं। यहीं पर हमारी सिटी और यहीं पर हमारा हाउस है। तो देख सकते हो गाइस हमारा हाउस है। ओ गाइस ये देखो यार, इस वाले पुल के अंदर देखो गाइस बर्फ़ जम रही है। यानी कि गाइस स्नोमैन यहीं पर है, कहीं ना कहीं छिपके बैठे हैं। मुझे यार स्नोमैन को ढूंढना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो वो हमारी सिटी को तबाह कर देंगे। तो चलो गाइस यार देख सकते हो तुम लोग, मुझे पूरी तैयारी के साथ में बैग लटका लिया और मेरे साथ कपड़े और मेरे को इंजेक्शन है। इंजेक्शन लगाते ही वो गायब हो जाएंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर भी नहीं है यार, पुल तो यहीं पर था बर्फ़ वाला, बर्फ़ के अंदर यानी कि स्विमिंग पूल के अंदर तो नहीं घुस गए कहीं। तो चलो गाइस अभी और भी ट्राई करने वाला हूँ। देखो 900 पे हमारी ये कैटेगरी कार से जाने वाला हूँ, पुलिस स्टेशन के अंदर तो जाया, लेकिन ये हमारे जो पेट्रोल पंप है इसके अंदर भी जाने वाला हूँ, ताकि यार हमारा जो स्नोमैन है उसको मैं अच्छे से मार गिराऊँ। तो चलो गाइस यार देख सकते हो आप लोग इस गेम के अंदर मैं जा रहा हूँ भाई ये वाले, ये क्या है पेट्रोल पंप। अरे यार गाइस यहाँ पर आते ही तो मेरे को ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है और ये मेरी गाड़ी टूट चुकी है यार, ठंड लग रही है। जल्दी से यार कोई आग जलाओ मेरे लिए, ठंड लग रही है। यहाँ पर तो बर्फ़ गिर रही है यार कितनी भयंकर। और यहाँ पर देख लेता हूँ स्नोमैन कहीं छिपके बैठा है, यानी कि गाइस इसी एरिया के अंदर स्नोमैन है, मुझे पक्का पता चल चुका है, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है बहुत भयानक। तो चलो गाइस यार देख सकते हो तुम लोग इस पेट्रोल पंप के अंदर, ये है हमारा पेट्रोल, कितना जहरीला है और दिखने में तो काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो ये देखो गाइस हमारे गेम के अंदर ये फिर से बग आ चुका है, क्या हो चुका है एकदम ख़राब सा हो रहा है। ये दिखने में बहुत ही ब्लेवर आ रहा है, तो ये मुझे सही करना है, जल्दी से मैं सही कर लेता हूँ। ये सही हो चुका है, नहीं हुआ तो 2 मिनट की बात है, ये 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकेंड लगा सही होने में। ये पेट्रोल पम्प भर लेता हूँ अपनी बॉडी के अंदर, मुझे यार गर्म हो जाए, जिससे गर्मी हो जाए अपने शरीर के अंदर, क्योंकि ठंड लग रही थी ना इसलिए। और मैंने यहाँ पर ब्लड भी बहा दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा ही ठंडा था ना अंदर शरीर के, तो अब गर्म हो चुका है पेट्रोल के आते ही, और न्यू ब्लड भी बन चुका है मेरा। तो चलो गाइस ये मैंने जेट पैक ले लिया, तो मैं दिखाता हूँ कि स्नोमैन कैसा है इस गेम, मतलब कि सिटी के अंदर तबाह करने के लिए आया वो स्नोमैन कैसा है। चलो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए गाइस हमारे गेम के अंदर स्नोमैन कैसा है, तुम्हें ठीक से दिख रहा होगा। तो आज के लिए भाई इतना ही, इसको समाप्ति करते हैं, यानी कि इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।